महासमुंद जिले की खाद्य विभाग की टीम ने सरायपाली के एक दोना पत्तल दुकान से अवैध रूप से रखे हुए 18 गैस सिलेंडर को जब्त किया है तथा छोटे बड़े जरीकेन में ड्रम से भरा हुआ कुल 400 लीटर डीजल तथा 2 नग डीजल मापने का जार भी जब्त किया। रायपुर के सदर बाजार सराफा लाइन में प्राइवेट नौकरी के दौरान अपने वाहन व्हाइट एक्टिवा में सवार होकर घूम फिर कर शहर में मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी के 5 मोबाइल बरामद किए हैं। नवा रायपुर के प्रभावित गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सामने आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के 24वें दिन और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में करीब 140 ट्रैक्टर और 3000 से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हुए। जांजगीर शहर के शारदा चौक पर बुधवार को एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक का सर बुरी तरह से कुचल गया। इसके चलते मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बिलासपुर जिले की तोरबा पुलिस ने गुटखा से भरे ट्रक को लूटने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों से लूटे गए गुटखा और पान मसाला भी जब्त किया है। आरोपियों में से 3 आरोपी सरकंडला क्षेत्र के और 4 तारबहार क्षेत्र के हैं। राजनांदगांव शहर की चिखली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शंकरपुर शीतला मंदिर के पीछे बैसाखीन बाई देवांगन के घर की तलाशी लेकर 20,205 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। बिलासपुर के अलग अलग कॉलोनियों में कार चोरी करने व इस दौरान चोरी करने में असफल होने पर कार में तोड़फोड़ कर फरार हो जाने के मामले में तार बाहर पुलिस ने 2 नाबालिग से गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जसपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पहले तो लड़की को डराया धमकाया था, फिर उसके साथ रेप किया। बाद में लड़की को जबरदस्ती घर से उठा ले गए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हसदेव नदी किनारे स्थित रेत घाटों से मशीन का उपयोग करने और ओवरलोड वाहनों के आने जाने से प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा बनाई गई सड़क खराब होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को शिवसेना प्रमुख के नेतृत्व में शिवसैनिकों ने विभाग के ई और खनिज अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग जिले की नवई पुलिस ने 26 वर्षीय युवती की खुदकुशी के मामले में उसके माता पिता को आरोपी बनाया है। पुलिस ने दोनों आरोपी माता पिता के खिलाफ 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 1.5 साल पहले युवती ने आत्महत्या की थी। गरियाबंद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो शिकायत होने के बाद पिछले 7 महीने से फरार था। आरोपी युवक नाबालिग का अपहरण कर हैदराबाद ले गया था, वहां उसने उसके साथ 6 महीने तक रेप किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर माओवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने 3 अलग अलग जगहों पर 100 से ज्यादा स्पाइक्स लगा रखे थे, जिसे जवानों ने बरामद कर लिया है। महासमुंद जिले के छात्रावास में ध्वजारोहण के बाद झंडा उतारने के दौरान छात्रा की मौत हो गई। इस मामले में अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश के बाद छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया। नया रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों एवं मार्गों पर सरप्राइज चेकिंग करते हुए 22 दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 15,000 से अधिक रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना वॉरियर के तौर पर सम्मानित एक स्वास्थ्य कर्मी की कोंडा गांव में सड़क हादसे में मौत हो गई। हेमेश्वरी साहू नामक की स्वास्थ्य कर्मी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लौट रही थी। सड़क पर एक कार को ओवरटेक करते हुए पीछे से आ रहे ट्रक ने हेमेश्वरी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अंबिकापुर में बोरवेल वाहन की टक्कर लगने से एक दीवार भरभरा के गिर गई। इस घटना में दीवार की ईंट एएसपी कार के ऊपर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना हो जाने के बाद बोरवेल का ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदूर के सरकारी अधिग्रहण के बाद बाहर किए गए कर्मचारियों का साथ देने अलग अलग संगठन के साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कर्मियों ने एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में पोस्टर लिए हुए अंबेडकर चौक पावर हाउस से रायपुर की ओर दोपहर 2 बजे से एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई। बिलासपुर जिले के सरकंडा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी द्वारा योजना बनाकर ड्राई डे पर अवैध शराब बिक्री करने वाले चिन्हित स्थान पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनकर रेड कार्रवाई कर 11 आरोपियों में से 7 महिला और 4 पुरुष को पकड़कर उनके पास से 500 से अधिक देसी शराब का पौवा जिसकी मात्रा करीब 90 लीटर से अधिक को विधिवत जब्त किया गया। रायगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर ने अपने सूत्रों की सूचना पर जोगी डीपा के मोहम्मद वसीम तथा चांदमारी के पिंटू हलवाई के ठिकानों पर दबिश देकर सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर के मैच पर सट्टा लगाते पकड़कर 1600 रुपए नगद तथा 2,37,000 रुपए की लिखा पढ़ी बरामद की है। रायगढ़ जिले में लैलुंगा थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम केराबहार स्कूल के पास बरगद पेड़ के नीचे काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 6,900 रुपए व ताश पत्ती जब्त किया गया है। बाजार में इन दिनों सीमेंट की मांग फिर से बढ़ने लगी है। इसका असर कीमतों में भी देखने को मिल रहा है और सीमेंट की कीमत 290 रुपए प्रति बैग के पार हो गई। इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिन में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।